नल जल योजना की शुरुआत करने और पूरे निगम क्षेत्र के 40 वार्डों में इसका लाभ पहुंचाने नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने शनिवार को निगम सभागार में निगम के 40 वार्डों के पार्षदों की बैठक ली। इस बैठक में निगम के अधिकारी भी शामिल रहे। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने निगम क्षेत्र के सभी 40 वार्डों में घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा किया है। इसके लिए शनिवार को निगम के सभागार में सभी 40 वार्डों के पार्षदों की बैठक ली। इस दौरान महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि फेज 2 के अंतर्गत जिन हितग्राहियों को नल कनेक्शन नहीं मिला है, वो 90 दिन के अंदर नल कनेक्शन लगाकर शुद्ध पेयजल प्रदान उन्हें किया जाएगा। वहीं निगम क्षेत्र में नल जल की शुरुआत हो चुकी है। सभी टंकी की टेस्टिंग से लेकर मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइपलाइन की व्यवस्था हो जाने की बातें भी उन्होंने कही। आज सभी सम्माननीय पार्षदों को जो नल जल योजना है उनकी शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने उनको बुलवाया था। हम लोग लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि 30 मार्च तक जो नल जल योजना का लाभ है वो सारे हितग्राहियों को मिले। सभी 40 वार्डों में जहाँ जहाँ कनेक्शन पूर्ण हो चुके हैं, जहाँ जहाँ टंकियों का निर्माण पूरा हो चुका है, और उन हितग्राहियों को पूरे 40 वार्ड में शुद्ध पानी हम लोग दे सकें, इसी के लिए सारे सम्माननीय पार्षदों को हम लोगों ने बुलवाया था। उनके वार्ड में कितने घरों में कनेक्शन छूटे हुए हैं, नया कनेक्शन नहीं हो पाया है, जो बड़ा पाइपलाइन गया है कहाँ पर लीकेज है, इनकी सारी तैयारियों के लिए मैंने सभी वार्डों के पार्षदों को बुलवाया था। 90% पार्षद यहाँ पर उपस्थित रहे और सारे पार्षदों ने अपने वार्डों की जो समस्याएं हैं, जो नए कनेक्शन नहीं हो पाए हैं, बड़ा पाइपलाइन नहीं गया है, उनकी जानकारी उन्होंने बताया है और उनकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा करने के पश्चात जितने भी छूटे हुए कनेक्शन हैं उनको फेज 2 के तहत 90 दिनों के भीतर उनके घर में हम लोग कनेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी पार्षद सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।